हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द गेस्टुलेशन। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स दैट इज द एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ द डेवलपमेंट। इन द थर्ड वीक ऑफ द डेवलपमेंट दिस बाई लेयर स्ट्रक्चर विल बी कन्वर्टेड इन टू ए थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गेस्टुला। This three-layered structure, or you can say that three-layered embryonic stage, is called gastrula. Gastrula meaning of gaster is stomach or gut. Now we will see certain characteristic feature of the gastrulation, different types of movements, and later on we will study about the gastrulation in the humans. Now first, in the gastrulation there are some of the important characteristic feature that are going to be take place. That is that in the gastrulation different germ layers are formed. Different germ layers form होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भी ब्लास्टोमियर्स होंगे वो ब्लास्टोमियर क्या होंगे, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि germ layers बनेंगी और germ layers जो होंगी आगे जाके क्या बनाएंगे, वो different organs का form करेंगी। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर जो important event होता है, that is the differentiation of the blastomeres. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है दैट ब्रिंग्स अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसा अब तक आपने प्रीवियस स्टेज में नहीं देखा हो, दैट इज कॉल्ड मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का मतलब ये होगा कि जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे क्या होंगे, वो लार्ज स्केल मूवमेंट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब जहाँ पे आफ्टर दी, अब क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रुला स्टार्ट होगा तो मतलब क्या हो गया, पोस्ट क्लीवेज इवेंट की अपन बात करते हैं। इसका मतलब दी सेल्स दैट विल फॉर्म दी वेरियस ऑर्गन्स दे कम टू दी प्लेसेज वेयर दोज ऑर्गन्स आर टू बी फॉर्म्ड। मतलब जहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा बाद में, वहीं पे जो भी डिफरेंट ब्लास्टोमेरस होंगे वो डिफ्रेंशिएट होकर वहाँ पे आना वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या हो गया है, there is the embryo's way is the embryo's way of laying down its body plan। ठीक है, तो बॉडी प्लान इसमें ले होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, एम्ब्रियो विल एक्वायर एंटीरियो पोस्टीरियर पोलैरिटी एंड आल्सो बाइलेटरल सिमेट्री, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो एंटीरियर एंड कौन सा होगा, ठीक है, या सिफेलिक एंड कौन सा होगा, कोडल एंड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा, लेफ्ट साइड कौन सा होगा, वो कहाँ होता है, वो गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, वो एक्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दी बेसिक अपन देखें, क्योंकि डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा गैस्ट्रुलेशन के डेफिनेशन क्या है, सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाईलेयर स्ट्रक्चर थी, जो हमने क्या देखा था, क्या बनी थी वो, बाईलेमिनार डिस्क। ठीक है, बाईलेमिनार डिस्क जहाँ पे क्या था, एपिब्लास्ट एंड दी हाइपोब्लास्ट, दिस बाईलेमिनार डिस्क विल बी कन्वर्टेड इंटू ए ट्राईलेमिनार डिस्क। ठीक है, ट्राई लेमिनार का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर थ्री डिफरेंट लेयर्स हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दी एंडोडर्म, दे आर कॉमनली नोन एज जर्म लेयर्स। या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो बाई लेयर्ड एम्ब्रियो होगा, जो बाई लेयर्ड एम्ब्रियो होगा दैट इज नाउ कन्वर्टेड इंटू ए ट्राई लेयर्ड एम्ब्रियो and this tri-layered embryo, this is called gastrula, that is called gastrula। ठीक है, gastrula का मतलब क्या है, the meaning of that word gaster, gaster का मतलब क्या है, stomach or the gut। ठीक है, ऐसा नाम क्यों इसको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब गैस्ट्रुलेशन जब एंड होगा तो वहाँ पे जो अपन कैविटी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसील पहले बना था,
वहाँ पे उसके बाद में फॉर एग्जांपल प्राइमरी योग सेक, सेकेंडरी योग सेक वहाँ बन गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओब्लेटरेट हो जाएगा जो भी कैविटी वहाँ पे था, स्पेशली फॉर एग्जांपल ब्लास्टोसिल की बात करें, जहाँ पे वो कैविटी खत्म हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो गैस्ट्रोला है वो क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे जो कैविटी थी उस कैविटी के जगह क्या बन गया, नई कैविटी वहाँ पे फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो कौन सी होंगे, दे आर कोल्ड आर्केंट्रोन, जो आगे जाके क्या बनाएगी, जो एंटेरॉन बनाएगी या क्या बनाएगी, गट बनाती है। तो जहाँ पे जब एंड होगा गैस्ट्रुलेशन, तो वहाँ पे आर्केंट्रोन, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोसील, कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला, ठीक है, दैट इज एनक्लोज बाय द एंडोडर्म, वो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कब होगा, ये डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, कौन सा इवेंट होगा जिससे ये डिसाइड होगा कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन एंड कब होगा, गैस्ट्रुलेशन एंड कब होगा, द ओब्लिटरेशन, ओब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील मार्क्स द एंड ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया है कि एक न्यू कैविटी वहां पे क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। ठीक है, ए न्यू कैविटी इज फॉर्म्ड एंड दैट न्यू कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रोन, आर्केंटेरॉन। ठीक है, क्या बनेगा, दिस इज ए प्रीकर्सर ऑफ एंटेरॉन और गट। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से गैस्ट्रोसील। ठीक है, और गैस्ट्रोसील क्या है, गैस्ट्रोसील इज कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला। ठीक है, और किससे एनक्लोज होगा, एनक्लोज बाय द एंडोडर्म। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि कुछ इसके अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि जो गैस्ट्रुलेशन होगा दैट इज अ डायनेमिक इवेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इट इज ए डायनेमिक इवेंट। ठीक है, तो डायनेमिक इवेंट क्यों बोलते हैं इसको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कुछ जो मेजर इवेंट्स होंगे उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे द गैस्ट्रुलेशन इट इज द डायनेमिक इवेंट, डायनेमिक इवेंट। ठीक है, डायनेमिक इवेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होगा वो क्या बनाते हैं, ब्लास्टोमियर्स दे विल फॉर्म द जर्म लेयर्स। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स क्या करेंगे, मोमेंट शो करते हैं और दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द थ्री जर्म लेयर्स। कैसे बनाएंगे जर्म लेयर्स, उसको डिस्कस करेंगे हम। उसके अलावा इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे देर आर टू मेन इवेंट्स। ठीक है, पहला इवेंट यहां पे कौन सा होगा, फर्स्ट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, द फर्स्ट मेन इवेंट डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री जर्म लेयर्स, इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है, ये आप काफी बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं कि गैस्ट्रुला होता है तो उसमें क्या बनती है, डिफरेंट जर्म लेयर्स वहां बनती हैं। ठीक है, और तो डिफरेंशिएशन होने का जो प्रिपरेशन है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द लेट ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, जो भी तैयारियां चाहिए, जिसकी भी जितने भी यू कैन से प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिंथेसाइज हो गए हैं कहां पे, लेट ब्लास्टुला स्टेज में ही। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा,
डिफरेंशिएशन होकर के देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, इसका जो रिजल्ट होगा डिफरेंशिएशन का एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर क्या बन जाते हैं, थ्री जर्म लेयर्स बोल सकते हैं, या जर्मिनल लेयर्स उनको बोल सकते हैं, थ्री जर्म लेयर्स कौन कौन से, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म आर फॉर्म्ड। सो दिस इज दी वन मैन इवेंट। नाउ सेकेंड मैन इवेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी मोर्फोजेनेटिक, दैट इज दी मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स। मोर्फोजेनेटिक मोमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो लार्ज स्केल मोमेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड मोर्फोजेनेटिक मोमेंट। क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि इन दिस मोमेंट इट इज ए सोल्टिंग आउट ऑफ दिस सेल्स एंड दिस सेल ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजली अकम्पनीड बाई चेंजेज इन दी शेप्स ऑफ माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो मोर्फो का मतलब कहाँ से आया, जब उसका क्या होगा, जब उसका शेप चेंज होगा, तो कहाँ से वर्ड आया, मोर्फो से, वहाँ से वो वर्ड निकल के आया है। तो जैसे सेल माइग्रेट करेंगी तो क्या होगा, उनका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, दीज आर दी इररिवर्सिबल चेंजेस। एक बार जो ब्लास्टोमियर जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ से वापस वो अपने ओरिजिनल जो प्लेस था वहाँ पे वापस वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मोमेंट्स होंगे, लार्ज स्केल जो मोमेंट्स होते हैं इन दी मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स, दे आर दी लार्ज स्केल, काफ़ी सारे टाइप्स के मोमेंट होते हैं जिसको डिस्कस करेंगे अभी। तो दीज आर दी लार्ज स्केल मोमेंट्स एंड दिस इज दी सोल्टिंग आउट ऑफ दिस सेल्स, जितनी सेल्स हैं उनमें से कौन सी सेल्स क्या बनाएगी, तो अलग अलग क्या हो रहा है उनका, सोल्टिंग आउट हो रहा है उनका, सोल्टिंग आउट ऑफ दिस सेल्स एंड दी सेल ग्रुप्स एंड दिस सेल ग्रुप्स। उसके अलावा क्या होगा, मोर्फो से मैंने बता दिया कि इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाई दी चेंजेज इन दी शेप्स ऑफ माइग्रेटरी सेल्स, ठीक है। उसके अलावा चेंज कैसे हैं, रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल है, दे आर दी इररिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। तो जो मोमेंट हो जाएगा तो वहां पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं दे रीच टू देयर डेफिनेट प्लेस इन द एम्ब्रियो, जहां पे क्या होगा, आफ्टर द गैस्टुलेशन क्या स्टार्ट होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जब मोर्फोजेनेटिक मोमेंट शो करेगा जो एम्ब्रियो होगा, तो क्योंकि वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी चाहिए, उसको काफी इंक्रीज हो जाती है वहां पे रिक्वायरमेंट्स, तो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होगी एम्ब्रियो की वो क्या हो जाएगी, काफ़ी फोल्ड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो जो एम्ब्रियो होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीजन क्या करता है, यूटिलाइज करता है इन दी गैस्ट्रोलाइज स्टेज, ठीक है। बिकॉज द मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट दे रिक्वायर्स एनॉर्मस एनर्जी, सो द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीजेज एंड द एम्ब्रियो कंज्यूम्स मैक्सिमम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द गैस्ट्रोलाइज स्टेज, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ब्लास्टोमियर्स होंगे, ब्लास्टोमियर्स हैं, दे रीच टू देयर डेफिनेट प्लेस इन एम्ब्रियो बिकॉज After the gastrulation, क्या स्टार्ट होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जहाँ पर जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है वहीं पर क्या हो जाते हैं, ब्लास्टोमियर्स पहुँच जाते हैं। Because after the gastrulation, ऑर्गेनोजेनेसिस हैज़ टू स्टार्ट,
ऑर्गेनोजेनेसिस हैज टू स्टार्ट इन एम्ब्रियो. ठीक है, सो दीज आर दी टू मेन इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रला स्टेज. वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स एंड सेकेंड इज द मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे कोई पूछता कि मेजर इवेंट्स क्या होंगे, तो पहला तो क्या हो गया कि जो भी ब्लास्टोमियर्स हैं उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है बाय द मोर्फोजेनेटिक मोमेंट्स. उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोर्फोजेनेटिक मोमेंट यहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिदम होगा किसका, यू कैन से क्लीवेज का, बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल वो इनहिबिट हो जाता है. ठीक है, ग्रोथ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाती है यहाँ पे. एंड डिस्कस करेंगे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज इंटेंसिफाइड मैनीफोल्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिकम मोर एक्टिव क्योंकि उसको जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे शो कर रहे हैं ब्लास्टोमियर्स उनको क्या करना है, कंट्रोल वहाँ पे करना है. तो यहाँ पे जो मैटरनल और जो वहाँ पे जीन्स वहाँ पे थे, स्पेशली पैटर्नल क्रोमोजोम्स, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन वो यहाँ पे एविडेंट हो जाता है. ठीक है, तो मेजर इवेंट जो होंगे, तो कुछ इसके जो मैंने फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं अभी, मेजर इवेंट्स या स्पेशल पॉइंट्स में ही अपन उसको लिख सकते हैं आगे, कि एक मैंने क्या बताया था कि द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन वो इंक्रीज जाएगी, इनॉर्मस इंक्रीज हो सकता है और मैक्सिमम ओ2 यूटिलाइज करेगा. उसके अलावा ग्रोथ है वो क्या होगी, इनसिग्निफिकेंट. उसके अलावा क्या होगा कि जो रिदम होगा सेलर डिवीजन का वो बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगा. जो न्यूक्लियस है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं, जितने भी ब्लास्टोमियर्स के अंदर, वो न्यूक्लियाई क्या होंगे, न्यूक्लियाई बिकम मोर एक्टिव. न्यूक्लियाई बिकम मोर एक्टिव. ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस होगा पैटर्नल क्रोमोजोम्स का, दैट इज बिकम्स मोर इविडेंट ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन. ठीक है, सो दीज आर दी सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट द गैस्ट्रुलेशन स्टेज. नाउ वी विल डिस्कस दैट देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ द गैस्ट्रुलेशन. जो मोमेंट शो करेंगे, काफ़ी सारे मोमेंट होते हैं उसके अंदर. ठीक है, दे आर डिफरेंट इन द डिफरेंट वी कैन से ऑर्गेनिजम्स, तो उसको एक बार डिफरेंट डिस्कस करेंगे. फिर ह्यूमन के अंदर जो होता है गैस्ट्रुलेशन उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ गैस्ट्रुलेशन. So there are two methods of the gastrulation. The first method that is called apiboli का मतलब क्या होता है, throwover. And the second is called emboli. इसका मतलब है Throw in. So first, in very brief, we are going to discuss about the epiboli. ठीक है, तो epiboli का मतलब इसे नाम से मालूम चला, throw over. इसका मतलब क्या होगा कि जो cells होंगी, वो cells क्या होंगी, ऊपर वो surface के ऊपर क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, moments show करेंगी. ऊपर क्या करते हैं, moments show करेंगी. मतलब ऊपर के लिए मतलब कौन से blastomers आएंगे, जो blastomer ectoderm बनाएंगे, वो क्या करते हैं, वो मोमेंट शो करते हैं, और जो सरफेस होगा सरफेस को कवर कर लेते हैं वो. ठीक है, तो एपी मतलब ऊपर क्या कर लेंगे, जो भी सरफेस होगा उसको कवर करेंगे. और कौन सी सेल्स ऊपर आती हैं, जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसका मोमेंट होगा, यहाँ पे मोमेंट किसका होगा, मोमेंट ऑफ एक्टोडर्म. एक्टोडर्म का मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट ऑफ एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, मतलब
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी प्रिजम्प्टिव, जो आगे चल के क्या बनाएंगी, एक्टोडर्म बनाएंगी, सो दे आर कॉल्ड प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्मल सेल्स, प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्मल सेल्स मूव ओवर एंड कवर द सरफेस, दिस इज कॉल्ड एपिबोली। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग में होगा। अब वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा, डायग्राम की हेल्प से अपन देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉग जो होगा उसके अंदर जो ब्लास्टुला होगा वो कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला होगा, जहाँ पे क्या होते हैं माइक्रोमियर्स होते हैं और मेगामियर्स होते हैं, और बीच में क्या होता है ब्लास्टोसील होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे देखा था हमने कि इन केस ऑफ फ्रॉग यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, बीच में क्या था, बीच में कैविटी था, दैट इज दी ब्लास्टोसील। ठीक है, और मान के चलिए कि इसका हम क्या देख रहे हैं, इसका हम डाइसेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हम दो टाइप के ब्लास्टोमीर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, हो गए, दीज आर दी माइक्रोमियर्स, एंड उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, दीज आर दी मेगामियर्स। ठीक है, सो दीज आर दी मेगामियर्स एंड दीज आर दी माइक्रोमियर्स, दिस इज द ब्लास्टोसील। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे कि जो माइक्रोमियर्स हैं वो माइक्रोमियर्स क्या करेंगे, मोमेंट शो करेंगे, और बिल्कुल एंटायर जो होगा एम्ब्रियो उसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सवर जो सरफेस होगा उसको क्या कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं। मतलब जो माइक्रोमियर्स हैं यहाँ पे क्या करेंगे, वो मोमेंट शो करेंगे। ठीक है, और मोमेंट शो करने के बाद में क्या होगा, ये क्या कर देंगे, एंटायर सरफेस को क्या कर लेते हैं, वे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, जो जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट हैं मेगामियर्स, उनको क्या कर लेंगे, वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे दीज आर दी मेगामियर्स, एंड उसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर एक सीथ बनाया है, जो कवर बनाया है, दीज आर दी माइक्रोमियर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और जहां पे आपको ओपनिंग दिख रही है, दिस ओपनिंग इज कवर्ड बाई योक प्लग, दिस इज कवर्ड बाई योक प्लग, एंड ये जो यहां पे पोर यहां पे बना है, दैट पोर इज द ब्लास्टोपोर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एपिबोली, जहाँ पे जो सेल्स क्या बनाती हैं, जो एक्टोडर्म बनाती हैं, जो ब्लास्टोमियर्स एक्टोडर्म बनाते हैं, वो अपना मोमेंट शो करते हैं। ठीक है, और सरफेस को क्या कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल किस में डिस्कस किया है, इन द फ्रॉग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी एपिबोली। नाउ द सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड एम्बोली। ठीक है, एम्बोली का मतलब कि ऐसे जो
ब्लास्टोमेर्स जो क्या बनाएंगे, मेजोडर्म और एंडोडर्म बनाएंगे, उनका क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द मोमेंट ऑफ मेजोडर्म एंड एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स, फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अब एम्बोली है वो, उसके अंदर जैसे आपने डिस्कस किया है कि जो मेजोडर्म और एंडोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर्स हैं उनका मोमेंट होगा। ठीक है, और मोमेंट होने के बाद में कहाँ पे जाएंगे वो, दे विल बी एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर चले जाएंगे, कि जो एक्टोडर्म होगा वो तो सरफेस को कवर कर लेगा, और जो मेजोडर्म और जो एंडोडर्म होगा वो कहाँ चले जाएगा, इट इज एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्बोली के काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, सो विद इन द एम्बोली वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। That is called invagination. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा डायग्राम से देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी सेल्स, ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से बीच में से ये इनवेजिनेट होंगे, एंड क्या बनेगा फिर, एंडोडर्म यहां पे बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जो सेल्स हैं, जो प्रिजम्प्टिव जो एंडोडर्म सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अंदर की तरफ एक इनवेजिनेशन बनाती हैं वो। ठीक है, जिससे क्या बनेगा बाद में, आर्केंट्रोन बनेगा, और आर्केंट्रोन बाद में क्या बनाएगा, इट फॉर्म दी गट। क्लियर हो गया, सो दीज आर दी एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, तो यहां जो एक कैविटी बनी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड आर्केंटरोन, जो क्या बनाएगी, गट बनाएगी। ये जो सेल्स हैं यहाँ पे, सेल्स कौन सी हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, एंडोडर्म हो गया, और यहाँ जो ये पोर यहाँ पे जो बना है, दैट पोर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या है, यहाँ पे कौन सी सेल्स मूव करेंगी, जो बाद में चल के क्या बनाती हैं, एंडोडर्म बनाती हैं। तो क्या बोल सकते हैं इनको बोल सकते हैं कि प्रिजम्प्टिव एंडोडर्मल सेल्स मूव इन टू फॉर्म गट। ठीक है, लेकिन पहले क्या बनता है, पहले आर्केंट्रोन बनता है, और आर्केंट्रोन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में गट बना लेता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल किस में होगा, फ्रॉग के अंदर होगा ये। नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट इज द इन्वेजिनेशन, एंड द सेकेंड इज द इन्वोल्यूशन। नाउ इन्वोल्यूशन में क्या होगा कि जो प्रिजम्प्टिव जो मेजोडर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, अब वो रोल करती हैं कहाँ पे, अंदर की तरफ में। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, ये जो डिस्कस किया था कौन सा, एक्टोडर्मल सेल्स हो गए। ठीक है, और यहां पे ये कौन सा है, This is the एंडोडर्मल सेल्स। तो डिस्कस किया था किसमें, इन्वेजिनेशन में। ठीक है, क्या बन गया वहां पे, आर्केंट्रोन का फॉर्मेशन हो गया, एंडोडर्मल सेल्स है। नाउ जो मेजोडर्मल जो सेल्स होंगी, जहां पे बनेंगी, बनाएगा कौन, जो ब्लास्टोमेर्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो यहां से इनके बीच में से, यहां से वो क्या करते हैं, वो रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसके बीच में, ये एक्टोडर्म हो गया, और ये कौन सा हो गया, एंडोडर्म हो गया। तो वो साइड में से क्या होते हैं, वो बल्ज आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज दी मिजोडम और ये यहाँ पे क्या है, दिस इज दी एंडोडम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन से सेल्स, कौन से ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे मूव करेंगे, दी प्रिज्म मीजोडर्मल सेल्स, प्रिज्म मीजोडर्मल सेल्स रोल इनसाइड, रोल इनसाइड, दिस इज दी इन्वोल्यूशन सेकेंड वन। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन इज दी पॉली इनवेजिनेशन और इनग्रेशन। ठीक है, तो इनवेजिनेशन में और पॉली इनवेजिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे क्या डिस्कस किया था कि जो इनवेजिनेशन में एक जगह से क्या हो रहा था, बल्जिंग इन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सपोज दिस इज दी एक्टोडर्म और यहाँ से बीच में से कुछ जो सेल्स होंगी दे विल बिकम एनलार्ज्ड एंड फिर ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से ये डिटेच हो जाती हैं। ठीक है, तो जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं उनके बीच में से ही कुछ जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, एनलार्ज होंगी एंड यहाँ से क्या हो जाएंगी, फिर वो डिटेच हो जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट में दिस इज दी एक्टोडर्म और यहाँ पे ये सिंगल सिंगल क्या हो गई, दे आर दी, दीज आर दी एंडोडर्मल सेल्स, बाद में लेयर बना लेंगी, लेकिन अलग अलग जगह, पॉली इन्वेजिनेशन मतलब क्या हो गया, काफ़ी सारी जगह से क्या होंगी जो सेल्स हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू द एंडोडर्मल सेल्स, फिर वहाँ से क्या हो जाएंगी, वो डिटेच होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज दी पॉली इन्वेजिनेशन, किसमें है, फॉर एग्जाम्पल इन दी निडेरियंस। ठीक है, इन निडेरियंस। ठीक है, और फ्रॉग में क्या देखा आपने, एपिपोली भी देखा फ्रॉग के अंदर, इन्वेजिनेशन भी फ्रॉग के अंदर देखा है, जो इन्वोल्यूशन होगा वो हमने फ्रॉग के अंदर देखा है, पॉली इन्वेजिनेशन और इनग्रेशन जो होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, दिस इज प्रेजेंट इन दी निडेरियंस। नाउ लास्ट वन जो है दैट इज अबाउट दी फोर्थ वन, फोर्थ वन इज दी डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन जैसे लेमिनेशन करते हैं तो उसका उल्टा कर दो, मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एक सीथ है, कंप्लीट लेयर है, वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, मतलब जो सेल्स माइग्रेट करेंगी वो एज ए सीट माइग्रेट करती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे सेल्स का लेयर होगा, वो एक साथ में क्या करता है, माइग्रेट करता है, डिटेच होता है और क्या करता है, वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसको डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स होंगी वो माइग्रेट करती हैं, सेल्स माइग्रेट एज ए सीट, एज ए सीट विच डिटेचेज एंड स्लिप्स, विच डिटेच एंड स्लिप्स बीनीथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर हो गया, इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मान के चले कि एक पर्टिकुलर लेयर कौन सा है, दिस इज दी एक्टोडर्मल, यहाँ पे सेल्स हैं। ठीक है, एक्टोडर्मल नहीं है इसको, एक्चुअल में क्या बोलेंगे, एपिब्लास्ट है,
फिर क्या होगा, इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगी, वो माइग्रेट करेंगी, ठीक है, पूरी लेयर माइग्रेट करेगी नीचे की तरफ, फिर क्या बना देगी वो यहाँ पे, दिस इज दी एंडोडर्म, ठीक है। तो पूरा जो एक सीट था उसने बनाया है, और बीच में क्या आ गया, बाद में बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे जो नई सेल्स होंगी और जो आएंगी डिटैच होने के बाद में, दे विल ऑक्यूपाई दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड दिस पर्टिकुलर लेयर इज दी, दिस इज दी मेसोडर्म एंड दिस इज दी एंडोडर्म एंड दिस इज दी एक्टोडर्म। सो दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ दी एम्बोली, जिसमें डिस्कस किया है इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन एंड पोली इन्वेजिनेशन एंड दी डीलेमिनेशन। सो दीज आर दी सम ऑफ द टाइप्स हाउ दी मोमेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दी गेस्टुलेशन।